नमस्कार। जन सरोकार मंच के द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में एक विशिष्ट श्रृंखला कविता जब बोलती है, तो इस कड़ी में आपने राजस्थान और राजस्थान के बाहर के बहुत सारे रचनाकारों को आपने सुना और सराहा है, ये आपके कमेंट्स हमें बताते हैं। आज जो आपके सामने आ रहे हैं, परिचित तो हैं आप उनसे, डॉक्टर मनु शर्मा। लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉक्टर मनु शर्मा आज जिन रचनाओं को लेकर आपके समक्ष हैं, वो वर्तमान को रेखांकित करने वाली रचनाएं हैं, क्योंकि वर्तमान को पहचानना, वर्तमान को महसूस करना, उसे अभिव्यक्त करना और सुंदर रचनाओं में ढाल देने का कौशल डॉक्टर मनु शर्मा से आगे नहीं है। तो मैं आज आपके साथ, सबके, अपने श्रोताओं के साथ, मैं डॉक्टर मनु शर्मा से आग्रह करता हूँ कि कक्षा आए और वर्तमान समय को रेखांकित करके अपनी रचनाओं से हमें नवाजें। साथियों नमस्कार। जन सरोकार मंच की ओर से आज कविता जब बोलती है इस सीरीज के अंतर्गत मुझे काव्य पाठ करने का अवसर उपलब्ध कराया है। इसके लिए मैं जन सरोकार मंच के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे तो जो कविताएं मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ये सब कविताएं मेरी फेसबुक वॉल के ऊपर मौजूद है, लेकिन फिर भी साथियों का आग्रह रहा है कि मैं इन कविताओं का आप सबके सामने पाठ करूं, तो मैं अपनी कुछ कविताएं आप लोगों के सामने पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। मेरी सबसे पहली जो कविता है, जो अभी मैंने हाल में ही लिखी है, सच का बेताल। मैं ऐसा मानकर के चलता हूं साथियों कि जो सच है वो देर सवेर प्रकट होता है और हम उस सच से बचने की लाख कोशिशें करें इसके बावजूद भी वह सच हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। इस कविता के माध्यम से मैंने आज के जो बहुत से संदर्भ हैं, उन संदर्भों की तरफ भी संकेत किया है। आप सब सुधी श्रोता हैं, उन संकेतों का आशय आप समझ जाएंगे। तो मैं कविता सच का बेताल आपके सामने पढ़ रहा हूं। बचने की लाख कोशिश की, लेकिन मौका पाकर सच का बेताल फिर से आ बैठा है विक्रम के कांधे पर। बचने की लाख कोशिश की, लेकिन मौका पाकर सच का बेताल फिर से आ बैठा है विक्रम के कांधे पर। न चाहते हुए भी अब धोना ही होगा उसे, न चाहते हुए भी अब धोना ही होगा उसे। वह दिखाई नहीं पड़ता है, वह दिखाई नहीं पड़ता, वरना तो उतार कर फेंक देते। बस एक बोझ बनकर कराता रहता है कांधे पर बैठे होने का एहसास। महाधूर्त को भी गच्चा दे जाता है सच का बेताल, कंधे को छोड़कर कभी कभी वह जीभ पर सवार हो जाता है, कंधे को छोड़कर कभी कभी वह जीभ पर सवार हो जाता है। और जिन बातों को सार्वजनिक करने से बचते रहते हैं हम, उन्हें जाने कब खींच लाता है हमारे गहन अंतस से और कमान से छूटे तीर सी
जा लगती है वे ठीक निशाने पर, और कमान से छूटे तीर सी जा लगती है वे ठीक निशाने पर। वाकई सच कभी पीछा नहीं छोड़ता उसकी अनदेखी करने वालों को, वाकई सच कभी पीछा नहीं छोड़ता उसकी अनदेखी करने वालों का। हमें लगता है कि आंख चुरा कर निकल जाएंगे हम दूर बहुत दूर, पर यह हो नहीं पाता। हमें लगता है कि हम आंख चुरा कर निकल जाएंगे दूर बहुत दूर, पर यह हो नहीं पाता। किसी न किसी डाल पर बैठा वह प्रतीक्षा कर रहा होता है, दूर से ही ताड़ लेता है झूठ को जीने के हमारे कठिन अभ्यास को, दूर से ही ताड़ लेता है झूठ को जीने के हमारे कठिन अभ्यास को, और मुंह चुराने की हमारी कोशिशों पर जड़ देता है एक धागा। हम भूल जाते हैं कि आसपास ही मौजूद है वह, और भांसते रहते हैं हवा में तलवारें। सच का बेताल हर बार गायब होता रहा है हमें शर्मिंदा करके, सच का बेताल हर बार गायब होता रहा है हमें शर्मिंदा करके। बचने की लाख कोशिश की, लेकिन मौका पाकर सच का बेताल फिर आ बैठा है विक्रम के कांधे पर। अभी पिछले दिनों मैंने एक कविता लिखी जिसके ऊपर बहुत से साथियों के बड़े अच्छे कमेंट्स मुझे मिले, और एक साथी ने तो ये कहा कि ये गृहस्थ जीवन के प्रेम की बहुत ही शानदार कविता है। वो कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सच्चाई भी है, इस कविता के अंदर मैंने अपना जो गृहस्थ जीवन है, उस गृहस्थ जीवन के अंदर प्रेम कैसे प्रकट होता है उसको दिखाने की कोशिश की है, खासकर पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उनको लेकर के। कविता का शीर्षक है बस यही कामना है। सतरस के अलावा वह कौन सा विलक्षण रस है तुम्हारे हाथों में, सतरस के अलावा वह कौन सा विलक्षण रस है तुम्हारे हाथों में कि उनके द्वारा बनी हुई दाल रोटी के आगे बेस्वाद लगते हैं मुझे चप्पल भोग। वैसे कोई विविधता नहीं होती तुम्हारे द्वारा बनाए गए दो वक्त के खाने में, वैसे कोई विविधता नहीं होती तुम्हारे द्वारा बनाए गए दो वक्त के खाने में। सब्जी और दाल रोटी के अलावा कभी कभार चटनी, अचार और रायते का जायका जरूर फैल जाता है जीभ पर। फिर भी नहीं जाने क्यों ललकता रहता हूँ, फिर भी नहीं जाने क्यों ललकता रहता हूँ तुम्हारे हाथों बनी रोटी की गंध को जी भर अपनी सांसों में संभाल लेने। फिर भी नहीं जाने क्यों ललकता रहता हूँ तुम्हारे हाथों बनी रोटी की गंध को जी भर कर अपनी सांसों में समा लेने को। जब कभी जाना होता है किसी शादी समारोह या स्वरुचि भोज के आयोजनों में, एक से एक स्वादिष्ट और रसीले पकवान देखकर मुंह में अंगड़ाई लेने लगती है भोगेच्छा, पर उनसे नहीं मिलती वह तृप्ति, पर उनसे नहीं मिलती वह तृप्ति जो चौके में बैठकर तुम्हारे हाथों परोसी गई फूली हुई रोटियों और हींग बघारी दाल से मिलती, पर नहीं मिलती वह तृप्ति जो चौके में बैठकर तुम्हारे हाथों परोसी गई फूली हुई रोटियों और हींग बघारी दाल से मिलती है। आधी सदी से ज्यादा वक्त गुजर गया, आधी सदी से ज्यादा वक्त गुजर गया है, इन हाथों से बनी रोटियों का स्वाद ही खाद पानी है मेरी चेतना का, इन हाथों से बनी रोटियों का स्वाद ही खाद पानी है मेरी चेतना का। इसलिए दूसरे सखरसों का स्वाद लेने का न अब समय है और न उनके लिए कोई आकर्षण। बस अब यही कामना है कि आटे की लोई पर नाचती तुम्हारी उंगलियों को देखते हुए, बस अब यही कामना है कि आटे की लोई पर नाचती हुई तुम्हारी उंगलियों को देखते हुए साकार होती रहे मेरी तृप्ति और तुम्हारी खुशी। बस अब यही कामना।
साथियों, कुछ समय पहले की बात है कि मेरे एक मित्र ने मुझे अपनी मित्रता के स्मृति चिन्ह के रूप में एक मीठे नीम का पौधा दिया और उस पौधे को मैंने अपने घर के मुख्य द्वार पर लाकर के लगाया और वो पौधा पूरा एक विशाल वृक्ष बन गया। मैं जब जब भी उस वृक्ष को देखता हूँ, मुझे अपने मित्र के साथ में गुजारे हुए जो दिन हैं वो याद आते हैं और वो नीम किस तरह से मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, उसे मैंने अपनी इस कविता के अंदर रखा है। कविता का शीर्षक है मीठा नीम। हमारी दोस्ती के स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया था उसे मेरे एक दोस्त ने। हमारी दोस्ती के स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया था उसे मेरे एक दोस्त ने। हमारी दोस्ती के मुरझाने से पहले मैंने भी रोक दिया था उसे अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने। शुरू शुरू में वैसी ही देखभाल करनी पड़ी मुझे उसकी। शुरू शुरू में वैसी ही देखभाल करनी पड़ी मुझे उसकी, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं। शुरू शुरू में वैसी ही देखभाल करनी पड़ी मुझे उसकी, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाने पर जैसे उसने कह दिया था मुझे, थोड़ा बड़ा हो जाने पर जैसे उसने कह दिया था मुझे कि अब मेरी चिंता न करें, मैं खुद संभाल लूंगा अपने को। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वह मेरे कंधों के बराबर होगी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वह मेरे कंधों के बराबर हो गया। उसकी नरम मुलायम हरी पत्तियों ने रौनक बढ़ा दी मेरे घर की। उसकी खुशबू से महकने लगा आस पड़ोस। उसके छोटे छोटे सफेद फूलों और काली निमोली की छटा बिखरने लगी घर की चार दीवारी के पास। वह इतना सहनशील है कि राह चलता कोई भी खींच लेता है उसकी लाज। वह इतना सहनशील है कि राह चलता कोई भी खींच लेता है उसकी डाल और तोड़ ले जाता है हरे हरे पत्ते। कोई कोई तो पूरी डाल तोड़ने में भी नहीं हिचकिचाता कभी। लोगों को अपनी छाह में खड़ा देखकर बड़ा खुश होता है वह। लोगों को अपनी छाह में खड़ा देखकर बड़ा खुश होता है वह। कोशिश करता है उनका पसीना सुखाने और थकान मिटाने की। उसके बहाने अनजान लोग भी आत्मीय संवाद करने लगे हैं मुझसे। उसके बहाने अनजान लोग भी आत्मीय संवाद करने लगे हैं मुझसे। कोई कहता है बड़ा औषधीय वृक्ष है, इसके तो पत्ते भी बिकते हैं। कोई इसके पत्तों की चटनी का स्वाद बताता है। किसी को इसके पत्ते कढ़ी में उबले अच्छे लगते हैं और ज्यादातर दाल राजमा पुलाव में पसंद करते हैं। उसने मीठे नीम वाले घर के रूप में एक पहचान बना दी है मेरे घर की। उसने मीठे नीम वाले घर के रूप में एक पहचान बना दी है मेरे घर की। वरना पहले मुझे हर आगंतुक को समझाना पड़ता था कि अमुक वार्ड की अमुक गली में अमुक नंबर के बिजली के खंबे के पास आना है। वरना पहले मुझे हर आगंतुक को समझाना पड़ता था कि अमुक वार्ड की अमुक गली में अमुक नंबर के बिजली के खंबे के पास आना है। अब लोग खुद कह देते हैं आपका घर मीठे नीम वाला है, आपका घर मीठे नीम वाला है ना। मित्रों, एक कविता थोड़ा सा अलग अंदाज लिए हुए है। आपसदारी का उदास।
सबूत न तुम्हारे पास है न मेरे पास, सबूत न तुम्हारे पास है न मेरे पास, फिर भी हमें लगता है कि आपस में बंधे हैं हम एक प्रगाढ़ बंधन, फिर भी हमें लगता है कि आपस में बंधे हैं हम एक प्रगाढ़ बंधन में, वह दिखाई नहीं देता किंतु भरोसा जगाता है, वह दिखाई नहीं देता किंतु भरोसा जगाता है कि हम हर हाल में यूं ही चलते रहेंगे साथ साथ, हम हर हाल में यूं ही चलते रहेंगे साथ साथ बिना किसी अतिरिक्त अपेक्षा के। हमारी आंखों में फैला आपसदारी का उजास दिखाता रहेगा हमें घोर अंधियार में राहें, अपनी सभी सामाजिक पहचानों को भूलकर जब भी मिलते हैं हम पलटने लग जाते हैं अपने रोजनामचे, अपनी सभी सामाजिक पहचानों को भूलकर जब भी मिलते हैं हम पलटने लग जाते हैं अपने रोजनामचे, जिनमें दर्ज होती है अंतरतल को मत देने वाली व्यथाएं, शोहदों की कटुक्तियां, मान अपमान की परछाइयां और अवसाद में डुबो देने वाली कुटिलताएं। आपस में पढ़ते हुए एक दूसरे का रोजनामचा पिरोते चलते हैं हम अपने संबंधों को एक रेशमी तार में, जो बहुत नाजुक होकर भी बांधे रखता है हमें तमाम हैवानी हरकतों के विरुद्ध। आपस में पढ़ते हुए एक दूसरे का रोजनामचा पिरोते चलते हैं हम अपने संबंधों को एक रेशमी तार में, जो बहुत नाजुक होकर भी बांधे रखता है हमें तमाम हैवानी हरकतों के विरुद्ध। अपनी सारी सीमाओं को जानकर भी हम खोज लेना चाहते हैं वह रहस्य जो इंसानी फितरत में छिपा है कहीं, और जिसे पाकर हर कोई अपने को समझने लगता है भरपूर, जिसे पाकर हर कोई समझने लगता है अपने को भरपूर। सबूत न तुम्हारे पास है न मेरे पास, फिर भी हमें लगता है कि हम आपस में बंधे हैं एक प्रगाढ़ बंधन। एक कविता जो पिछले दिनों लिखी और साथियों को बहुत पसंद आई, बंड। आप सब जानते होंगे कि हमारे यहाँ लोक भाषा के अंदर बंड जो उजड़ा बैल होता है उसको कहा जाता है, तो उस प्रतीक को ध्यान में रखकर के मैंने ये कविता लिखी है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। बंड हुए बैलों के सींग रंग कर, बंड हुए बैलों के सींग रंग कर बहुत खुश हो रहे हैं वे, और समझ रहे हैं कि उजाड़ होने से बचा रहेगा उनका खेत। बंड हुए बैलों के सींग रंग कर बहुत खुश हो रहे हैं वे, और समझ रहे हैं कि उजाड़ होने से बचा रहेगा उनका खेत। वे नहीं जानते शायद कि हरा भरा खेत ही सबसे ज्यादा निशाना होता है बंडगिरी का, वे नहीं जानते शायद कि हरा भरा खेत ही सबसे ज्यादा निशाना होता है बंडगिरी का। अपने सींगों से लहराती फसलों को उछेलते हुए बड़ा कौतुक रचते हैं बंड, अपने सींगों से लहलाहाती फसलों को उठेलते हुए बड़ा कौतुक रचते हैं बंड। गलियों सड़कों चौराहों पर खड़े हो जाते हैं वे, और अपने पांव फेंकते हुए उछलते रहते हैं एक दूसरे को सींग मारते हुए। कोई रास्ते से हटाने की विनम्र कोशिश करे तो नथुने खुलाकर लाल आंखें लिए झपटते हैं उसकी ओर। कोई रास्ते से हटाने की विनम्र कोशिश करे तो नथुने फुलाकर लाल आंखें लिए झपटते हैं उसकी ओर। दैनिक जीवन के अनुशासन को ध्वस्त करने में खूब रमता है उसका मन, विजय की मुद्रा में विचरते हुए ढा रहे हैं वे भद्रता की मीनारे, और उन्हीं के मलबों में खोज रहे हैं अपने सपनों के कंकाल, और उन्हीं के मलबे में खोज रहे हैं अपने सपनों के कंकाल।
बंड हुए बैलों के सींग रंग कर बहुत खुश हो रहे हैं। बस एक आखिरी कविता और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पगड़ी, और ये पगड़ी जो है वो हमारे यहाँ आप जानते हैं जिम्मेदारी की भावना का भी बोध कराती है, सम्मान का भी बोध कराती है, और पसी पगड़ी जब उछाल दी जाती है तो एक तरह से वो अपमान पूर्ण करते भी होता है। उसी को लेकर के मैंने ये कविता लिखी है। पगड़ी, यह हमारे 5 गज सूत की बुनावट भर रही है, यह महज 5 गज सूत की बुनावट भर नहीं है, ये पिता की जगह परिवार का जिम्मा अपने कंधों पर लेने की सामाजिक नैतिकता है। पंचों की मौजूदगी में इसे सिर पर बांधते हुए उसकी आंखों में उतरती रही अपने पिता की वह छवि जो देखी थी उसने दादा के नैन में। पंचों की मौजूदगी में इसे सिर पर बांधते हुए उसकी आंखों में उतरती रही अपने पिता की वह छवि जो देखी थी उसने दादा के न रहने पर। एक जगह यह पगड़ी उत्तराधिकार को जताती है तो दूसरी जगह सामाजिक सम्मान का हकदार बना। एक जगह यह पगड़ी उत्तराधिकार को जताती है तो दूसरी जगह सामाजिक सम्मान का हकदार बनाती है। इसका सिर से उछाल दिया जाना घोषणा है अपमान की। इसका सिर से उछाल दिया जाना घोषणा है अपमान की। और किसी के पांव में पगड़ी रख देना आजीवन उसके आगे तनकर खड़े होने की ताप को देना। और किसी के पांव में पगड़ी रख देना आजीवन उसके आगे तनकर खड़े होने की ताप को देना है। एक योद्धा के लिए अपनी पगड़ी बचा लेना साहस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन है। माथे पाग तो खुल गए भाग की लोकोक्ति, माथे पाग तो खुल गए भाग की लोकोक्ति यूं ही नहीं बनी होगी। इसे माथे पर सुसज्जित रखने के लिए कितने ही तुर्के और ताज धराशायी होते रहे हैं। इसे माथे पर सुसज्जित रखने के लिए कितने ही तुर्के और ताज धराशायी होते रहे हैं। यह महज 5 गज सूत की बुनावट भर रही है। मित्रों, ये कुछ कविताएं मैंने जो है वो आपके सामने पढ़ी हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगेगी, और आप अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करा करके मुझे और अधिक प्रेरित और उत्साहित करेंगे। ऐसी काम करता हूँ। धन्यवाद।